हेलो गाइस, दिस इज भावना एंड वेलकम टू कॉग्निटिव प्लेटफॉर्म। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो कि होंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस के, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल, जेरेंड से रिलेटेड कुछ चीजें डिस्कस की हैं, ठीक है, जो आपके लिए, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने कई बार बोला है कि आपको स्मार्ट स्टडी करना है, एक ही पूरा टाइम आपको इंग्लिश में ही नहीं देना है कि बैठ के 7 to 8 आवर सिर्फ आप इंग्लिश ही पढ़ रहे हो, ठीक है, नहीं। अब उसमें करना क्या है, जो भी वीडियोस मैंने, आपने और भी जिन भी टीचर्स से, ठीक है, रिलेटेड स्टाफ, जिन भी टीचर्स से आपने अपने सब्जेक्ट्स की स्टडी की है, ठीक है, उन्हें सबसे पहली बात तो आप टाइम डिवाइड करिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करिए। कि अगर आप दे रहे हैं, आप डेली अगर 1 to 2 आवर, मैं तो बोलूंगी 2 आवर या फिर 1 आवर भी अगर आप इंग्लिश को डेली दे रहे हैं, ठीक है, डेली दे रहे हैं और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, रूल्स को समझ रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा है ना कि अगर आप रूल्स को लिखते रहोगे तो फिर आपका कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो फिर बुक कॉपी बस उठा लिया, देख लिया, समझिए, समझ के प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और फिर भी अगर कहीं पर कंफ्यूजन हो रही है तो अपने टीचर से डिस्कस करिए, या फिर अगर आप यहाँ पर, ठीक है, अगर आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए या फिर कॉग्निटो के ऐप पर, ठीक है। तो कुछ भी, किसी भी रिलेटेड, मतलब कि अगर आपको मेरे सब्जेक्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर आप उसे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये हुई बात हमारी डिस्कशन की। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर, जिसमें कि मैं आपको वॉइस पढ़ा रही थी और मैंने आपको असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव नहीं डिस्कस किया है, इंफिनिटिव डिस्कस किया है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आज क्या, इंपरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अब देखिए, इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, क्या होते हैं हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस, मैं पहले लिख देती हूँ आज का हमारा टॉपिक क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब हम इंपरेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं क्या। तो अब आप लोग बताइए कि इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस मैंने नरेशन में भी बताया है, सेंटेंसेस के टाइप्स में भी क्लियर किया है कि इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम कमांड दे रहे हो, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी को एडवाइस दे रहे हो, किसी को, ठीक है, अगर हम किसी को कोई ऑर्डर दे रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। और ये आपके किसी ना किसी एग्जाम में एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, तो ये क्लियर हुआ कि इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे समझते हैं। जब आप पढ़ोगे, अगर मैंने बोला गेट आउट फ्रॉम हेयर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मैंने प्लीज लगा दिया, तो ये सेंटेंसेस हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस होंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। फिर उसके बाद अब इसको पैसिव में चेंज करते टाइम क्या करेंगे, कैसे समझेंगे कि इसे हम पैसिव में चेंज करेंगे, तो कैसे करेंगे। तो देखिए, मैंने रूल्स लिखे हैं, सबसे पहले ये देख लीजिए, कमांड एंड ऑर्डर अगर दिया जा रहा है तो ये समझिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आज समझ लिया तो कभी भी आपके माइंड से ये नहीं नहीं निकलेगा, पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये निकल जाए, ठीक है। कमांड एंड ऑर्डर, ठीक, अगर सेंटेंस को पढ़ने पर आप ये पढ़ोगे किसी को कमांड दिया जा रहा है या किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है, और इसका अगर आपको पैसिव बनाना है तो पैसिव बनाते टाइम व्हेन ऑब्जेक्ट इज गिवन, ठीक है, विल यूज लेट, समझिएगा हम क्या करेंगे, ये आपका एक फॉर्मूला है, क्या है, ये फॉर्मूला है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस पार्टिसिपल, ठीक है, लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, देन बी, देन पास्ट पार्टिसिपल। अब लोग मैम समझ में बिल्कुल नहीं आया, बिल्कुल नहीं समझ में आया, मुझे भी नहीं समझ आया, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, ब्रिंग अ बुक। तो मैंने रूल क्या बताया, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या लिखेंगे, लेट, लेट लिख दिया, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक, लेट अ बुक, फिर मैंने क्या लिखा, बी, बी लगा देंगे, लेट अ बुक बी, अब उसके बाद क्या लिखा, पास्ट पार्टिसिपल, ब्रॉट, तो समझ में आ गया, आया कि नहीं आया, ठीक है, लेट अ बुक बी ब्रॉट, क्लियर हुआ, लेट अ बुक बी ब्रॉट, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग ही देखिए मैंने किया है कि जब हम इंपरेटिव सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, मैंने क्या कहा, ब्रिंग अ बुक, ठीक है, इट मीन्स दैट यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट लिखेंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट होगा, देन बी, देन पास्ट पार्टिसिपल, क्या होगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, देन बी, देन पास्ट पार्टिसिपल, अब प्लस प्लस करके मत लिख देना, बहुत स्मार्ट लोग भी हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट अ बुक बी ब्रॉट, लेट ऑब्जेक्ट हमारा बुक था, मैंने लिख दिया, फिर बी, फिर ब्रॉट,
क्लियर हुआ? अब यहां पे क्या है, टर्न गीता आउट, टर्न गीता आउट, ठीक है? तो यहां पे क्या हो जाएगा, लेट गीता बी टर्न आउट, लिख ले लेट, ठीक है? क्लियर हो गया? चलिए कुछ और सेंटेंसेस हम लोग देखते हैं। तो देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर ऑब्जेक्ट दिया होगा तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, लेट ऑब्जेक्ट बी पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है? लेकिन अब बोलोगे कि मैम अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे, तो बहुत ही सिंपल सा है, आप उस सेंटेंस को पढ़ोगे, ठीक है? तो क्या होगा, गो आउट एट वंस, डोंट स्टे हेयर। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है किसी को, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, व्हेन नो ऑब्जेक्ट इज गिवन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा, बिगिन द सेंटेंस विद यू आर ऑर्डर्ड और कमांडेड, ठीक है? तो हम सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे यू आर ऑर्डर्ड से और यू आर कमांडेड। क्लियर हुआ? मैंने ये बोला कि अगर हमारा सेंटेंस, ठीक है, अगर इंपरेटिव सेंटेंस दिया गया है, उसमें ऑर्डर या कमांड की बात की जा रही है, और ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो पैसिव में चेंज करते टाइम आपको करना क्या है, आपको देखना है कि किस किसकी बात की जा रही है, ऑर्डर देने की बात की जा रही है, कमांड की बात की जा रही है, तो ऑर्डर की बात की जा रही है, तो यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गो आउट एट वंस, यू आर ऑर्डर्ड टू गो आउट एट वंस, क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड, क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू गो आउट एट वंस, ठीक है? यू आर ऑर्डर्ड क्यों, क्योंकि इसमें ऑर्डर की बात की जा रही है, ठीक है? किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है, गो आउट एट वंस, यू आर ऑर्डर्ड टू गो आउट एट वंस। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, डोंट स्टे हेयर, तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू स्टे हेयर, क्या हो जाएगा, डोंट लिखा है ना, इसलिए नॉट टू कर देंगे, ठीक है? डोंट लिखे होने पर, क्योंकि हमारा नेगेटिव है, इसलिए हम इसे नॉट टू कर देंगे। तो चलिए कर लेते हैं, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू स्टे हियर, ठीक है? क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू स्टे हियर, ठीक है? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए क्या है, गो आउट एट वंस, तो क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर टू गो आउट एट वंस, डोंट स्टे हेयर, यू आर ऑर्डर नॉट टू स्टे हेयर, नॉट टू क्यों किया मैम आपने, तो इसलिए किया मैंने बिकॉज यहाँ पे डोंट लिखा हुआ था। अब नेगेटिव सेंटेंस हमारा जब नेगेटिव है तो हमें नेगेटिव में करना ही होगा, अब नेगेटिव में हमें चेंज करना होगा, तो हम क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर नॉट टू स्टे हेयर, क्लियर हो गया? और ये भी रूल आप लिख लीजिएगा, When object is given, then we'll write let plus object plus be plus past participle. But when object is not given, then we'll when of no object is given, then ठीक है, we'll write you are ordered or you are commanded. Clear हो गया? अब next है permission, request, advice में क्या करते हैं, तो चलिए discuss करते हैं पहले इससे थोड़ा सा। तो देखिए, अभी मैंने आपसे बताया कि कमांड और ऑर्डर दिए होने पर अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो हम लेट लिखते हैं, ठीक है? लेट ऑब्जेक्ट करके हम सेंटेंस को सॉल्व करते हैं, लेकिन परमिशन रिक्वेस्ट या एडवाइस, अगर सेंटेंसेस में परमिशन की बात की जा रही हो या फिर एडवाइस की बात की जा रही हो, किसी को एडवाइस दे रहे हो या रिक्वेस्ट की बात कर रहे हो, तो देखिए हम क्या करेंगे, हम पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे, अगर उसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है? ऑब्जेक्ट दिए होने पर हम क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस पास पार्टिसिपल होगा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट देन शुड, उसमें क्या होता था, लेट, ठीक है? इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट शुड फिर बी फिर देन पास पार्टिसिपल, तो क्या हो जाएगा, पेरेंट्स शुड बी ओबेड, क्या होगा, पेरेंट्स, क्योंकि क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट, यहां पे क्या करेंगे, पेरेंट्स, पेरेंट्स शुड बी, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी ओबेड, पेरेंट्स शुड बी ओबेड, क्लियर हुआ? क्या क्या मैंने पेरेंट्स क्यों किया, देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है ओबे पेरेंट्स, तो ये क्या करेंगे हम, पेरेंट्स यहाँ पे क्या होगा, पेरेंट्स शुड बी, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, रूल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, शुड देन बी देन ओबेड, ठीक है? लिसन टू मी, ठीक है? फिर उसके बाद ये भी आपका सेंटेंस क्या है, लिसन टू मी, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई, ठीक है, आई शुड बी लिसन टू, क्या हो जाएगा, आई शुड बी लिसन टू, ठीक है? क्लियर हुआ? फिर उसके बाद क्या है, प्लीज कम सून, प्लीज कम सून, अब देख रहे हैं इसमें हमें कहीं पर भी ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, हम क्या करेंगे,
यू आर रिक्वेस्टेड टू कम सून, क्या हो जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा, जैसे इससे पहले कमांड ऑर्डर में क्या था, ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता था तो फिर हम क्या करते थे, यू आर ऑर्डर्ड, क्या लिखते थे, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, ठीक है, ऐसे लिखते थे ना, यू आर ऑर्डर्ड। अब लेकिन इसमें क्या है, या फिर कमांडेड लिखते थे, लेकिन इसमें क्या है, प्लीज कम सून, किसी से रिक्वेस्ट की बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम सून, क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम सून, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये लिखा हुआ है लिसन टू मी, आई शुड बी लिसेंड, ईडी लिखा हुआ है, ठीक है, टू, आई शुड बी लिसन टू, पहले फिर से एक बार देखते हैं गाइज, अगर किसी भी सेंटेंस को, यानी अगर हमारा सेंटेंस इम्परेटिव होगा, इम्परेटिव सेंटेंस के दिए होने पर जिसमें एडवाइस की बात की जा रही हो, रिक्वेस्ट की बात की जा रही हो, तो हम सेंटेंस को पढ़ेंगे, पढ़ करके देखेंगे कि कैसे किस बारे में बात की जा रही है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट दिया होगा तो हम क्या करेंगे, हम इस रूल को फॉलो करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो देखिए मैंने वही किया है, पेरेंट्स था तो पेरेंट्स, अब उसके बाद शुड लिखा, फिर बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, पेरेंट्स शुड बी ओबेड, फिर क्या था, लिसन टू मी, इसमें भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ था तो मैंने क्या किया, आई, फिर शुड, देन बी, देन वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर टू लिख दिया, ठीक है। फिर प्लीज कम सून, इसमें हमें कहीं ऑब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है तो हमने क्या किया, प्लीज भी लगा हुआ है तो हम करेंगे क्या, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम सून, ठीक, समझ में आ गया। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स की कैटेगरी में ये सारे सेंटेंसेस आते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है, समझना है। और अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट रूल्स की तरफ बढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। तो सबसे पहले आपको समझना है कि इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या हैं, जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ठीक है, कमांड, इनकी बात की जा रही हो, ये ऐसे सेंटेंसेस हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस होंगे। जब हम इनको पैसिव में चेंज करते हैं तो पैसिव में चेंज करते टाइम अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को कमांड दे रहे हैं, ठीक है, तो हमारा लेट से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर किसी को एडवाइस या रिक्वेस्ट की बात की जा रही है तो हम शुड से स्टार्ट, हम क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट प्लस शुड करेंगे, ठीक है, और देन जो रूल्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट आपके सेंटेंस में नहीं दिया हुआ है तो हम सेंटेंस को पढ़ेंगे और अपने सेंस के अकॉर्डिंग किसमें रिक्वेस्ट की बात की जा रही है या ऑर्डर की बात की जा रही है, तो यू आर ऑर्डर्ड टू, ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड करके या फिर यू आर रिक्वेस्टेड करके सेंटेंस को लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या है, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम सून, ठीक है, और इससे पहले के जो सेंटेंसेस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।